नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि और आप देख रहे हैं द न्यूज गराज। शुरुआत करते हैं टॉप 5 न्यूज के साथ। ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट केस में आरोपी निकिता जैकब को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को 3 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है। सुनवाई के दौरान जस्टिस पीडी नायक ने कहा कि इन 3 हफ्तों में निकिता अपने खिलाफ दर्ज मामले को लेकर दिल्ली की अदालत में जा सकती है। दिल्ली पुलिस ने 15 फरवरी को निकिता को फरार घोषित करते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद निकिता ने गैर जमानती वारंट को रद्द करने और अंतरिम जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अगर निकिता की गिरफ्तारी होती है तो उन्हें 25,000 रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि भरने पर रिहा किया जाएगा। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को बुधवार को 84 दिन हो गए हैं। किसान दिल्ली के सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच सिंगू बॉर्डर पर प्रदर्शन में शामिल एक व्यक्ति ने मंगलवार रात पुलिस अधिकारी पर तलवार से हमला कर दिया। इसके बाद वह पुलिस अधिकारी की गाड़ी लेकर भाग गया। घायल SHO को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बुधवार को बताया कि आरोपी का नाम हरप्रीत सिंह है। उसने रात करीब 8 बजे सिंगू बॉर्डर पर यह वारदात की। पुलिस के जवानों ने PCR वैन से उसका पीछा किया। हरप्रीत ने मुकरबा चौक के पास फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ा दी। इसके बाद वह एक व्यक्ति से बाइक छीनकर फरार हो गया और पुलिस ने करीब 8:30 बजे उसे पकड़ लिया। सूत्रों का कहना है कि आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया कि आरोपी पर कानूनी कार्रवाई चल रही है। देश में भले ही कोरोना के दैनिक मामले कम आ रहे हैं, लेकिन कोरोना का खतरा अभी तक टला नहीं है। हाल ही में इसका उदाहरण कर्नाटक के बेंगलुरु में देखने को मिल रहा है, जहां एक अपार्टमेंट में 103 लोग तो एक नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने वाले 210 छात्रों में से 40 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अपार्टमेंट के लोगों ने 6 फरवरी को एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। कार्यक्रम के बाद कोरोना टेस्ट हुआ तो इसमें 103 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका के कमिश्नर एंड मंजुनाथ प्रसाद ने बताया कि बेंगलुरु के मंजूश्री कॉलेज ऑफ नर्सिंग में पढ़ने वाले 210 बच्चों में से 40 बच्चे कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। दिल्ली के राव एवेन्यू कोर्ट ने जर्नलिस्ट प्रिया रमानी को मानहानि केस में बरी किया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री MJ अकबर ने रमानी के खिलाफ मानहानि का केस किया था। 2018 में जब देश में मीटू कैंपेन शुरू हुआ था, तब रमानी ने MJ अकबर पर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। 2017 में जर्नलिस्ट प्रिया रमानी ने वोग मैगजीन के लिए एक आर्टिकल लिखा था। इसमें उन्होंने करीब 20 साल पहले नौकरी के लिए इंटरव्यू के दौरान बॉस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। 2018 में जब देश में मीटू कैंपेन शुरू हुआ, तब रमानी ने खुलासा किया कि उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति MJ अकबर ही थे। इन आरोपी के चलते 17 अक्टूबर 2018 को अकबर को मंत्री पद छोड़ना पड़ा। अकबर ने इसके बाद रमानी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। महाराष्ट्र में COVID-19 के मामले में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस बात से चिंतित मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को नागरिकों को आगाह करते हुए कहा कि मास्क पहनने और उचित दूरी का पालन करने जैसे निर्देशों का सख्ती से पालन करें या एक बार फिर लॉकडाउन का सामना करने के लिए तैयार रहे। पिछले कुछ दिनों में संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर उन्होंने संभागीय आयुक्तों और जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर हालात की समीक्षा की। उन्होंने ज्यादा संक्रमण वाले इलाके में प्रत्येक मरीज के संपर्क का पता लगाने की जरूरत को भी रेखांकित किया। ठाकरे ने कहा कि शादी समारोह आयोजित करने के लिए पुलिस की इजाजत की जरूरत होगी।